एक बात बताइए, जीतने के बाद प्राथमिकता क्या होगा? देखिए असलम साहब तो यहाँ से अभी सुबह हमारी उनके साथ कई जगह जाना हुआ है, लोगों से वो मिल रहे हैं, लोगों की समस्याओं को समझ रहे हैं, यहाँ तक कि वो अपनी तरफ से पर्सनल अपने फंड से ये चीज़ ऐलान कर चुके हैं कि जो भाई भी यहाँ हमारे क्षेत्र के हैं, जो इलाज कराने यहाँ आते हैं, उनका फीस हम देंगे अपने तरफ से। बाकी प्राथमिकता में कई ऐसे मुद्दे उन्होंने गिनाया है कि हमको इन पर काम करना है, और हम लोग उनके साथ हर जगह जा रहे हैं, लोगों का रुझान देख रहे हैं। माशाल्लाह सारे लोगों का रुझान MIM पार्टी की तरफ है और हमारे असलम साहब की तरफ है। अच्छा ये बताइए, जो RJD है वो भी दावा करती है कि अल्पसंख्यक हमारे हैं, और विचारधारा की अगर बात की जाए MI और RJD का बहुत ज़्यादा का फर्क नहीं है, तो यहाँ के जो अल्पसंख्यक हैं किस तरह से आप लोग अपनी तरफ वोट को कन्वर्ट करने में सक्सेस रहेंगे? देखिए बहुत बार हम लोग अल्पसंख्यक लोग RJD पर उम्मीद किया देखा, तो उसका बंधुआ मजदूर नहीं ना है कि हम ऐसा देते रहेंगे। हमारा जब प्रत्याशी अपना एक मेन मुस्लिम में आते हैं RJD से, तो उसको जब ज़्यादा सैम्बुल रहता लेकिन ज़्यादा लोग नहीं वोट देता, क्यों नहीं देता? और जब मेरा ये क्या बोल रहे हैं RJD जब सीट रहती है तो उसी में से ज़्यादा प्रत्याशी रहता है तो मुस्लिम दे देता है। तो बहुत सा कन्फ्यूजन है, तो ये सब लोग इस गोपालगंज के विधानसभा के जनता लोग जाग चुका है। नहीं क्या कहिएगा इसी सवाल के, क्या क्या कहेंगे, समझ में आया सवाल? क्या कहिएगा आप, क्या सवाल पूछा, एक बार और पूछिए, रिपीट कीजिए। ये कह रहे हैं कि RJD और MIM का विचारधारा तकरीबन सेम है जी, कैडर वोट माना जाता है बिहार में, मुसलमानों का वोट RJD का है, तो यहाँ के लोगों को किस तरह से आप लोग समझाने में सक्षम रहेंगे कि हम लोग बेहतर हैं RJD से? चूँकि RJD ऑलरेडी यहाँ पर रूलिंग कर चुकी है, RJD काम कर रही थी लेकिन उस काम को उसने नहीं किया, अंजाम नहीं दिया, हक और इंसाफ की बात उसने नहीं की, यहाँ डेवलपमेंट नहीं हुआ। आप बताइए जो डिस्ट्रिक्ट 3-3 चीफ मिनिस्टर दिया है और इस डिस्ट्रिक्ट में कितना प्रॉब्लम है। यहाँ गोपालगंज हॉस्पिटल की बात के लिए, एक ट्रामा सेंटर, हमारे नेता बोलते हैं ट्रामा सेंटर नहीं है, किसी का एक्सीडेंट होता है तो डॉक्टर रेफर कर देते हैं, चूँकि यहाँ पर इक्विपमेंट्स नहीं है अवेलेबल, ठीक है। उसके बाद से यहाँ आप गोपालगंज में जल जमाव का, आप अभी बारिश हो जाएगी सारे ड्रेनेज ब्लॉकेज हो जाते हैं, जबकि यहाँ पर निकासी का बहुत बड़ा एक्सेस है लेकिन उसका कोई काम नहीं है। आप देख लीजिए हर साल फ्लड आता है, आप ही कवरेज करते हैं, आपने देखा कि जब फ्लड आया हुआ था तो पूरा हॉस्पिटल इमरजेंसी वार्ड सब पानी में डूबा हुआ था, उस टाइम में लोगों का अफरा तफरी का आलम था जी। तो ये इस पर डेवलपमेंट का कहाँ काम हुआ? एक आप देख लीजिए, एक एयरपोर्ट का मसला है, जो गल्फ से आते हैं लोग, आने के बाद सब 5-6 हज़ार रुपया उनका खर्च हो जाता है दिल्ली से पटना, पटना से फिर अपने घर तक पहुंचने में, लेकिन इस पर किसी ने काम किया? किसी ने कोई काम नहीं किया। एक सभ्या एयरपोर्ट की बात हो रही है, अभी तक उस पर भी कोई काम नहीं हुआ। आखिर जब ये डेवलपमेंट होता, इस पर काम होता, MIM तो है ही नहीं कि सिंबल ना मिला, झूठ मुठ के ऐसे ही हो, ये ऐसे ही नहीं बोल रहे हमने, कुछ लोग इस तरह का कह रहे हैं, तो वैसे लोगों को क्या कहिएगा? वैसे लोगों का कारण हो सकता है, कुछ लोग वैसे भी होंगे जो बेवकूफ़ बना रहे होंगे, मासूम जनता को जाके बोल रहे होंगे कि वो तो MIM तो है ही नहीं, कि दूसरा है, निर्दलीय है, चाहे इस तरह का लोग वही लोग बोल भी रहा है। ये बेवकूफ़ बनाने वाली बात है, वो लोग ये चाह रहे हैं लोग कि ये इस कार्ड को खेला जाए, जबकि इसका असर नहीं हो रहा है, वो ग्राउंड जीरो पर मेहनत कर रहे हैं और उसका रिजल्ट MIM की तरफ डाइवर्ट हो रहा है। ये यूथ में आप देख लीजिए, कहीं पर भी सर्वे कर लीजिए, चूँकि हमारे जो नेता हैं उनका मिशन और विज़न बिल्कुल क्लियर है, हक इंसाफ की बात करते हैं, मजलूम की आवाज़ को उठाते हैं, जुल्म और जालिम के ख़िलाफ़ अपने आवाज़ को पूरे पुरजोर तरीके से उठाते हैं, फिर MIM की ज़रूरत नहीं थी। दूसरी बात यह है कि गरीब और मजलूम की आवाज़ उठाने वाले असलम साहब हैं, जो जनता के बीच में रहते हैं, और जब भी इनको आवाज़ दीजिए वो आपके सामने खड़े मिलेंगे। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।